वेलकम टू जोजी लपास। अब सोचो बाइक कहाँ से आ गई। बड़े पहाड़ है, पहली बार देखी थी बड़े पहाड़। कितने किलोमीटर चलाते हो? दिन के 100 इतनी दूर दिल्ली से हम क्या करने आते हैं भाई, ये वाला व्यू देखने के लिए, ये वाला रोड देखने के लिए। अब जैसे ही ये मोड़ मुड़ेंगे ना भाई, सामने का व्यू देखना, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। ये देखो, और मेरे को लग रहा है आज का जो हमारा व्लॉग है ना, शायद ही अभी तक का मेरा सबसे लंबा व्लॉग होगा। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। हम सुनो, उस साइड जा रहे थे 5 दिन में, बॉम्बे से यहाँ लगा दिया जो जिला। भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। सुबह के बज रहे हैं भाई लगभग 6:15। तू भाई सुबह सुबह चावल खाने लगा है? तो भाई अभी रात को तो खाए थे 2 बजे। सुबह 6 बजे मेरे को नहीं, कोको को। ओके ओके ओके, फिर ठीक है। मैंने बोला भाई पापा गुड मॉर्निंग, साहबा गुड मॉर्निंग। हाँ ये बढ़िया लग रहा है, सबको गुड मॉर्निंग। और बाहर का व्यू एक बार दिखाऊं, क्या ही शानदार व्यू है भाई, क्या ही शानदार व्यू है ये। पापा यहाँ पर जितने भी घर होते हैं ना, अंदर जाकर वुडन का काम होता है। जैसे आप देख रहे हो फ्लोरिंग हो गई वुडन, वुड क्या है ना, थोड़ी गर्म रहती है, तो कोई छोटी सी गलती की वजह से आग लग गई होगी। तो भाई मेरी तरफ से भी आपको गुड 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 मॉर्निंग। और आज वो दिन आ गया, फाइनली हम श्रीनगर से लद्दाख के लिए निकल रहे हैं, लेह के लिए। बहुत अच्छा सा लग रहा है, बस रास्ते में दिक्कत ना है। हमें एक काम जरूर करना है, 9 बजे से पहले ना सोनमार्ग क्रॉस करना है, क्योंकि अमरनाथ की यात्रा चल रही है। अगर 9 बजे से पहले हम क्रॉस नहीं कर पाते ना, कम से कम 3-4 घंटे का हमारा स्टॉपेज लगेगा वहां। हो सकता है हमें वापसी भेज दीजिए, कल फिर निकलना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सुबह सुबह रेडी हो गए, गाड़ी पूरी रेडी है, नीचे सामान पूरा रेडी है, सामान गाड़ी में रखेंगे और गायब हो जाएंगे। लो भाई सुबह सुबह हमारी चाय भी आ गई है, और आज सुबह सुबह मेरे चेहरे पे मुस्कान देख रहे हो। हमारे लिए एक सरप्राइज आया, क्या है वो? नीचे है ना, जब से 2 दिन हो गए ना यहाँ आया हूँ भाई ने शोर मचा रखा है। तुम्हारे लिए एक चीज है, तुम्हारे लिए एक चीज है, तुम्हारे लिए एक चीज है। वो चीज अभी तक मेरे हाथ में आ नहीं पा रही है। जिस दिन तुम यहाँ से निकलोगे ना लेके लिए, उस दिन हाथ में आएगी। तो आज वो चीज हाथ में आएगी, आपको दिखाऊंगा। और जैसे कोई गिफ्ट करना होता है वैसे वैसे हम खुश हो जाते हैं। गिफ्ट गिफ्ट सुबह सुबह गिफ्ट मिलेगा। एक व्यू तो आपने देखा वो वाले रूम से, एक व्यू यहाँ से दिखाता हूँ, एक नंबर नजारा। सामने पूरी डल लेक दिख रही है भाई। ये है दरगाह, जो इतनी खूबसूरत से दिख रही है ना, बहुत ही बढ़िया व्यू। जब जब हम किसी रूम को छोड़ते हैं ना, तो ऐसा होता है कि यार अब इस व्यू को मिस करेंगे, कितना बढ़िया था। लेकिन अब इस व्यू को छोड़ेंगे तभी तो आगे वाले व्यू को एंजॉय कर पाएंगे। इसी बात पे चलते हैं फिर। सामान चेक सारा, पानी लिया, पानी की बोतल ले लेते हैं, पावर बैंक ले लिया, अरे ये तो ले लो, अरे ये रह गया क्या? चलो मजाक कर रहे हैं यार, अब तुम इधर उधर देखो तो मैं इसको बैग में डालू। चलो 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 कहीं और देखो। ओ, सारा सामान सेट, आओ आओ। पधारो मारे देश रे। ओ भाई साहब, अब मेरे पे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन लग रहा है, पहन के देख ही लेता हूँ ना। बबस जबरदस्त, तो अब सीन ऐसा है ना, जितने बंदे मेरे साथ आए हैं गाड़ी में अपनी अपनी कैब कर लो। मैं तो चला के लो। तूने देखा नहीं चश्मा पहना तेरे भाई ने, अरे सनी देओल बन गया वो, अब मैं उखाड़ दूंगा इसको। चलो रहने दो, थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मतलब भाई साथ ही चल रहे हैं, ऐसा नहीं भाई हमारे साथ ही चल रहे हैं, और एक हमारी डिफेंडर जा रही है, और एक वो जिप्सी खड़ी है वाइट कलर की, वो हमारे साथ जा रही है। अभी जाएंगे 9 बजे से पहले सोनमार्ग क्रॉस करेंगे, उसके बाद आपको बढ़िया बढ़िया व्यू दिखेंगे, उसके बाद नहीं बड़ी बड़ी व्यू दिखाएंगे। जाओगे ना
नहीं अच्छा लगता ना ऐसे बोलने में, भले निकले ना निकले, बार बार बोलते रहो ना वो मन को तसली मिलती है। नो बल से पहले सोन मांग, नो बल से पहले सोन मांग, साढ़े छह ही हो गया। चश्मा कैसा लग रहा है? लग रहा ना बढ़िया। हाँ ठीक है, कैब कर लो। चलो 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 कोको, चलो आप भी चलो, चलो बैठो, व्यू देखो। तो अपने को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वापसी हम श्रीनगर से ही आएंगे, हो सकता है मनाली वाले रूट से निकल जाएं, अभी इस रूट की हालत थोड़ी खराब है, ये भी हो सकता है यहाँ से वापसी आए, ये भी हो सकता है वहाँ से वापसी आए। तो अगर वहाँ से आएंगे तो अभी के लिए श्रीनगर को बाय बाय, फिर आएंगे फिर मिलेंगे, अगर यहाँ से आएंगे तो दोबारा दिखाएंगे। सुबह सुबह जल्दीबाजी में निकल के बाबा जी से प्रे तो करने ही भूल गए। चलो भाई सारे हाथ जोड़ो और बोलो वाहेगुरु जी अच्छे से जाएं, अच्छे से आएं, हमारा सफर अच्छा रहे और ढेर सारी खुशियां देना हमें और जितने बंदे वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी। बन रोड के दोनों तरफ लाइन है, आधा आधा किलोमीटर, और ये सारे के सारे अमरनाथ यात्रा वाले हैं, तो इनका टाइम होता है छोड़ने का आई थिंक 9 बजे के बाद, तभी 9 बजे से पहले पहले अपने को सोनमार्ग क्रॉस करना होता है। अरे 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 खेलने गया होगा पार्क में, मम्मी का फोन है, जल्दी घर आ जा तेरी वाट लग जाएगी, भागता हुआ जा रहा है, मम्मी आया आया आया। तो ये जो अभी आप ब्रिज देख रहे हो ना, ये बिल्कुल अभी अभी नया बना है, इस ब्रिज से हम पहली बार निकल रहे हैं। तो ये देखो जितनी बसें दिख रही है ना, ये यात्रा करके वापसी आ रहे हैं, लाइन में आ रही, लाइन में पुलिस गाड़ी सब जा रही है, पुलिस की गाड़ियां भी है साथ में। तो अभी पीछे गाड़ी रोकी थी, तीन काम निपटाया हमने, पहला शीशे को एकदम चकाचक साफ कर दिया ताकि सामने का व्यू क्लियर रहे, दूसरा जो आधा निपटा है कोको को पॉटी कराने के लिए रुके थे, पॉटी तो नहीं करी, सुसु कर लिया, थोड़ा हल्का हो गया, तीसरा हमें हमारे सब्सक्राइबर मिले फैमिली के मेंबर जो कि अच्छी पोस्ट पे थे, मिलिट्री में थे, तो बड़ी सारी उनके साथ बातें बातें करी, उन्होंने बताया मेरे से, पूछा मेरा हाल चाल कि अभी आपके लेग्स ठीक है और केस खत्म हो गया नहीं हो गया, मतलब बहुत सारी बातें करी, कम से कम 15-20 मिनट हम वहाँ खड़े रहे, अच्छा लगा। और अभी आगे जाम लगा हुआ है, धीरे धीरे चल रही है गाड़ी। पूरी फैमिली अमरनाथ के दर्शन करके आ रही थी, और हमारे चक्कर में यूटर्न मार के आए हैं, जाना इनको वहां था, गाड़ी देखी फटाफट से यूटर्न मारा, पीछे से हॉर्न मार रहे थे, कह रहे आप रुके ही नहीं, मतलब सुनाई ही नहीं दिया, गाड़ी में गाने चल रहे थे, अच्छा लगा मिलके, अब नजारों के मजे लो आप भी। कोको, कोको का दोस्त मिल गया। अरे कोको वो देखो भाग्या, तो भाग्या वो बोला कि इसके साथ नहीं रहना मेरे को। ये भी सो गया। नहीं देखना मेरे को, नींद में हूँ, खाना खा के आया हूँ। बर्फ के पहाड़, ये पहाड़ वही है जहाँ हमें जाना है, आ रहे हैं धीरे धीरे आ रहे हैं, प्यार से घूमते घुमाते हुए आ रहे हैं, सबको दिखाते हुए आ रहे हैं। वो आप देख रहे हो बड़े सारे घर बने हुए हैं, वो सामने सारा सोनमार्ग है, पहले हम उसके अंदर से निकलते थे लेकिन अभी बाईपास रोड बना दिया है, बाहर बाहर से हम निकल रहे हैं, सोनमार्ग वहां रह गया और हम बाहर बाहर से आगे निकल गए। ये देखो भाई और तगड़ा हाईवे बनने की तैयारी है यहाँ पर, और तगड़ा क्या ही चीज बन जाएगी जब ये पूरा रेडी हो जाएगा ना, ये सिर्फ स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको दिखा दिया, जब पूरा बन जाएगा फिर आ जाएंगे दिखाने।
तो ये देख रहे हो, ये बहुत बड़ी पार्किंग है, थोड़ी बस हट जाना फिर दिखाऊं। यहीं से यात्रा शुरू होती है, यहीं सारी गाड़ियां वगैरह खड़ी होती हैं। ये देखो बहुत लंबी चौड़ी पार्किंग है, दूर तक है। यहीं से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। हाँ जी, अमरनाथ की। और ये देखिए, ये अमरनाथ का यात्रियों का एक साइड है ना। अभी ना नीचे एक टनल दिखाऊंगा, ये देखो पहले देख लो। ये जो आपने टनल देखी ना, ये जोजिला वाली टनल है। यहाँ से डायरेक्ट आप जोजिला पहुंच जाओगे या जोजिला खत्म ही हो जाएगा, पता नहीं लगेगा आपको जोजिला आया भी है। ये टनल अभी नई बन रही है, अभी इन फ्यूचर खुलेगी। और आपको एक चीज और दिखाएं, ये देख रहे हो नीचे, ये सारे के सारे जो टेंट लगे हुए हैं वो देखो, दुनिया भर की गाड़ियां खड़ी है, दुनिया भर की। और ये टेंट दूर तक है, दूर तक जहां तक नजर जा रही है ना, वो आगे तक पूरा का पूरा यहाँ शहर बसा हुआ है। तो जो असली अमरनाथ यात्रा की ट्रैकिंग शुरू होती है ना, वो यहाँ से शुरू होती है। तो भाई जितने बंदे भी अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं, सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और जितने बंदे सोचते हैं और जा नहीं पाते, उनको भी मेरी तरफ से कि हौसला रखो और कोशिश करो। भगवान का जब बुलावा आता है ना, इंसान तभी जा पाता। तो कभी भी घर बैठे बैठे ऐसे मत होना कि यार हमें भी जाना, हम जा नहीं पा रहे। जब बुलावा आएगा, अपने आप हिम्मत आएगी, अपने आप जा पाओगे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जितने बंदे जा रहे हैं, देखकर अच्छा लगता है। वो आप सामने देखोगे ना, वहां पर वो हेलीपैड भी है। चलो सही है, अभी यहाँ से निकलते हैं। जब हमें भोले बाबा बुलाएंगे तो हम भी जरूर आएंगे। लेट्स गो। भाई हमारी पहली वाटर क्रॉसिंग आ गई, और ये बुलेट वाली भाइयों की भी पहली वाटर क्रॉसिंग। ऑल द बेस्ट मेरे भाई। राइडर को देख के ना, वो अंदर वाला राइडर जाग जाता है, लेकिन अभी हम निकलने देना गाड़ी वाले। हाँ आराम से निकल जाओ बुलेट वाले भाइयों। ये पापा जॉइंट होगा ये पहाड़ ना, इसके साथ जॉइंट होगा, ये बीच में से काट के रास्ता बनाया हुआ है, तभी ऐसा आधा यहाँ रह गया। कोको गाना मिलवाओ मेरे को, इतनी सारी एक से भी नहीं मिलवा रहे। गाना 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 को, कौन है, कौन है कोको? भाई साहब, मैंने मुझे कितनी टोटल करे, 700 700 भेड़। कह रहे ये कौन सी भेड़ लेकर आए हो आप, हमारी तो भेड़ दिख रही है, ये कैसी भेड़ है? कह रहे छोड़ दो, नहीं नहीं भाग जाएगा ये। अरे आमिर भाई, कहाँ रह गए थे भाई? आधा घंटा हो गया मैं पहुंचे, क्या मतलब ऐसे गाड़ी चलाओगे क्या? हमें आधा घंटा हो गया, आप डिफेंडर चला रहे हो। आधा घंटा हो गया ना, लेट आयो ना, आधा घंटा पीछे से आ रहे हैं। बताओ कैसे हम जल्दी पहुंचेंगे? गाड़ी भाग रही है, 1.5 करोड़ की गाड़ी नहीं भाग रही। बताओ कैसे जल्दी पहुंचेंगे, इतना लेट कर रहे हैं यार। धीरे धीरे क्यों आ रहे हो? एक्चुअली हम पीछे ब्लॉग बनाते हुए आ रहे थे ना, इसलिए जल्दी निकल गए। जिनको लग रहा है कि हमारी गाड़ी भाग नहीं रही है, हम भगा ही नहीं रहे। नो बाइक, अरे हम खुद बाइक लेकर आए हैं, हमारा बाइक साथ में है, बस स्नो दिखा दो आप। स्नो दिखाओ, हम इसको बाइक बनाएंगे। बाकी जोजिला पास पहुंच गए, यहाँ उतरते हैं, एक चाय पीते हैं, मैगी खाते हैं और आगे निकलते हैं। कहाँ से आ रहे? बॉम्बे से। कब चले थे? 8 तारीख को चले थे। 8 को? आज हो गई 13 रुके थे 8, 5, 13 पाँच दिन में बॉम्बे से यहाँ लगा दिया जोजिला। बड़े है, बड़े बाइक भी तो अच्छा है ना, मजा आ रहा है चलाने में इसको। चलो सही है, एंजॉय करो, बेस्ट ऑफ लक यार, अच्छे से जाना। ओके बढ़िया यार, बाइक को देख के बताया ना, वो अंतर आत्मा जाग जाती है, हमें भी चलानी है, हमें भी चलानी है।
लेकिन अभी नहीं है, अभी राइडिंग गियर भी नहीं पहना ना, लेकिन अच्छी लग रही है। ये बस 650, ये वी स्ट्रोम आ गई अपनी, ये हिमालयन आ गई। वेलकम टू जोजिलप्पा। आप सोचो बाइक कहाँ से आ गई, हम लेकर आए पीछे गाड़ी के पीछे बांध के आपको दिखाई नहीं थी, सरप्राइज है। अच्छा लगा भाई आपसे मिलके। सेम ईयर सर। चलो सही है, फोटो क्लिक करते हैं। बिस्किट, हाँ बिस्किट तो अपने पास बहुत पड़े हैं, लो आप चाय। चलो भाई खाना पीने का पार्ट डन, अब है जोजिला क्रॉस करने की तैयारी। अब रुकेंगे मेरे ख्याल से आगे मिनी मर्ग, एक सेकंड के लिए वॉशरूम जाना, उसके बाद आगे सीधा रुकेंगे कारगिल, उसके बाद सीधा रुकेंगे मैग्नेटिक हिल, उसके बाद सीधा रुकेंगे गुरुद्वारे, उसके बाद सीधा रुकेंगे दिखाते रहेंगे। सबसे पहले वॉशरूम रुकेंगे। बहुत सारे राइडर आए भाई, बहुत सारे राइडर, अरे सब्सक्राइबर था लग रहा है, ये यूटर्न मार के आ रहे हैं। चलो रुक जाते हैं दो मिनट। कैसे हो? एक नंबर भाई, एक नंबर, बढ़िया। इच्छा थी आपको मिलेगी, देखा दिल से इच्छा थी तभी तो मिले, मिला दिया। जो दिल से मांगूंगा सब मिलेगा, बहुत साल से आपको फॉलो कर रहा हूं। अरे प्यार आये तो और क्या चाहिए, और सब बढ़िया। जो जिला एटीट्यूड, एल्टीट्यूड 11,649, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। 49 को क्या कहते हैं, 49, 649, थोड़ा गड़बड़ तुम्हारे साथ ज़्यादा है ना, गड़बड़ होगी मेरी हिंदी भी। चलो भाई जोजिला क्रॉस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, बाय बाय, फिर मिलेंगे जोजिला। अरे अरे कैसे हो, बांग्लादेश से? बांग्लादेश से। अरे अरे क्या बात है, लोग देखा था भाई, लोग बांग्लादेश से, बांग्लादेश में कहाँ से? ढाका से। अरे सही है, मैं बैंगलोर से आया हूँ। अरे 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 बहुत बढ़िया, इतने भाई लोग मिल रहे हैं, कोई मुंबई से, कोई बैंगलोर से, कोई बांग्लादेश से, मजा आ रहा है बाइक चला के। लोगे ना वीडियो में, मेरा बेटा तो मजा आ जाएगा। ले लिया, ले लिया आपको वीडियो। अब यह होती है एंट्री, अपनी गाड़ी नंबर वगैरह, लाइसेंस नंबर वगैरह, या एंट्री होगी उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक चीज और बता दूं, इस वीडियो में ना हम बहुत सारे काम की चीजें भी बता रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप मत करना, सारी देखना, एक एक सेकंड देखना। अभी क्या मैं बताना चाह रहा हूँ ना, कोई भी आपके साथ लेडीज वगैरह आ रही है तो उसके लिए वॉशरूम बताऊंगा, वो सामने बना हुआ है, 20 रुपए है, जाओ वॉशरूम वगैरह यूज करो। क्योंकि होता क्या है ना, आदमी लोग तो कहीं पर भी चले जाते हैं वॉशरूम, लेकिन लेडीज के लिए दिक्कत होती है, तो सामने बढ़िया सा वॉशरूम बनाया, वहां जा सकते हो। वो सामने देख रहे हो, वो पुलिस वाले भैया बैठे हैं, वो साहब आ रही है, वहीं पर अंदर वॉशरूम बना हुआ है। और कोको देखो, हाँ भाई, ओए नींद में है बेचारा, नींद में ही रहता है क्या, खाता है पीता है सोता हगता है। देखो अभी हाथ ऐसे रखूंगा ना, ये देखो हाथ पे सो जाएगा, नहीं नहीं हगता बीच बीच में जब नींद, जब पोटी आती है। हाँ सो जा सो जा सो जा सो जाओ, ये देखो अभी हाथ पे नहीं सोना हो अंग्रेज। और यहाँ पर हमने एंट्री भी करा ली अपनी, चले भाई वॉशरूम सही था? हाँ, क्लीन। ओके बढ़िया। ये आ गया पापा ड्रास, और इसकी खास बात पता है क्या है? ये जो है ना कोल्डेस्ट प्लेस इंडिया है। आगे एक बोर्ड लगा होगा, मेरे को भी ध्यान नहीं, बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ। इंडिया तो है ही है कोल्डेस्ट प्लेस, मतलब जब यहाँ ठंड पड़ती है ना, सबसे ज्यादा ठंडा इलाका ये रहता है पूरे इंडिया के अंदर। पापा यहाँ आओगे सर्दियों में मेरे साथ? तो ये सर्दी नहीं है। अरे ये सर्दी नहीं, ये तो गर्मी है। सर्दी है मतलब नवंबर दिसंबर, जब तगड़ी वाली ठंड होती है ना, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ होती है। अच्छा तब आएंगे, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैकेटें पहन के, ठीक है, इतनी तो पहननी पड़ेंगी। दस जैकेट नहीं, ये सबके हिसाब से बताया, हो सकता है इसको 3 पहननी पड़े, उसको 5, आपको 7, मेरे को 10, ना सबके हिसाब से, किसी को ज्यादा किसी को कम, एडजस्ट कर लेंगे। 10 जैकेट टोटल रख लेंगे। टेम्परेचर क्या रहता है? टेम्परेचर रहता होगा -35, -40, इससे ऊपर तो नहीं जाता होगा, इतना ही रहता है, -28, -30 में तो मैं रहा हूँ, जो मैंने स्पीति का टूर किया था ना, जिप्सी लेके गया था। पानी, सरसों का तेल, हैंड वॉश, पेस्ट,
सब कुछ जम जाता है। सुसु करो ना करते वो भी जम जाता है। कैसे रहते हैं बंदर, रहने वाले सब रहते हैं। इसको क्या हो गया, ये सोया पड़ा है नींद में, गहरी नींद में। जैसे मर्जी आलती पालती मार लो। तो लो भाई, हम लोग पहुंच गए हैं कारगिल, और ये लेफ्ट साइड में देख रहे हो ये वॉर मेमोरियल है। बस कारगिल हमने ये कर लिया क्रॉस। हम कोशिश कर रहे हैं हम 5 या मैक्सिमम 6 बजे तक ना ले पहुंच जाए, और अभी टाइम देखोगे 12:20। पापा ये देख रहे हो क्या? वो सामने वाले पहाड़ का कलर और है, राइट साइड वाले का और है, और लेफ्ट साइड वाले का और है। सबका कलर अलग है। जैसे पहाड़ों के रंग होते हैं वैसे इंसानों के भी रंग होते हैं ना। हर इंसान का रंग अलग होता है, वैसे पहाड़ का रंग भी अलग होता है। फिर भी हम भेदभाव करते हैं। ये देखो, पहले कंधे पे सो रहा था, अभी नीचे आके सो गया है। हाँ, भेदभाव तो यार वो तो इंसान की सोच है, कुछ नहीं कर सकता कोई इसमें ना। लेकिन हम अच्छे तो सब अच्छे, हम बुरे तो सब बुरे। बस ये ध्यान रखो और पहाड़ों को देखते जाओ, नेचर को एंजॉय करो। लो भाई, हम लोग पहुंच गए हैं कारगिल। कारगिल टाउन के अंदर से निकल रहे हैं। इसको बाईपास भी कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा पापा पहली बार आए टाउन भी दिखाए। तो पापा ये सारा कारगिल का टाउन है, शहर। यार पानी रुक रहा है, रस्ते में पानी मिला। तो अभी हमने जोजिला पास से एक पानी की बोतल खरीदी 40 रुपए की एक। तो एक पेटी ले लेते ना, यहाँ से पेटी लेके रख लेते डिक्की में। हमने दिल्ली से सोचा था पेटी लेके रख लेते, लेकिन सोचते सोचते रह जाते हैं, आधी चीजें तो भूल ही जाते हैं ना। हर थोड़ी देर में ना पानी पीते रहना, क्योंकि बॉडी हाइड्रेट रहेगी ना, आगे जाएंगे ना ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है। जैसे जैसे एटीट्यूड हाई होता रहता है ऑक्सीजन लेवल कम होता रहता है, तो पानी बॉडी में रहेगा ना एटीट्यूड। मैं अंग्रेज कमिंग फ्रॉम USA, तो सही रहता है, समझ गए ना, फीलिंग को समझो। तो यहाँ हम आए पानी की पेटी लेने के लिए। थैंक यू भैया। भैया हमारी गाड़ी में पानी की पेटी रख रहे हैं। 150 रुपए की पानी की पेटी मिली है, 12.50 रुपए की एक बोतल। देखो भाई, पैसे बचा बचा के हमने गाड़ी लिया, पैसे बचाएंगे नहीं तो सब वेस्ट हो जाएगा ना। तो जितने बच सकते बचा लो भैया, डिक्की में रख दो। अब अपनी पेटी कितने की आती पानी की? 78 रुपए की। एक बोतल कितने की पड़ती है? ओह, यहाँ फिर भी महंगी मिली है, 12.5 की। यहाँ से ठीक है, लेकिन वहाँ से सही है, 40 रुपए तो सही है। पीना तो आई है पानी, पेटी पड़ी रहेगी, पीते रहो। पहाड़ों में तो ऐसा ही होता है, वो इतने ठंड में माइनस टेम्परेचर बैठे कमाने के लिए सब कुछ है। मैगी गैस वैस, लेकिन वो बनी हुई खानी है ना, हमें मेहनत नहीं करनी। कोको क्या हुआ, नींद खुल गई है तेरी? ओए अभी भी उबासियां ले रहा है, देखो सारा दिन सोता सोता आया ये। चला आ जा, बात देखेगा कौन है बाहर? अपने भाई हैं। भाई कोको मिलना चाहता है। हेलो। तो अगर भगवान से तुमने कुछ और मांगा होता ना, वो भी मिल जाता। क्या बोला था अभी तुमने? एप्रिकॉट चाहिए, लद्दाख जा रहे हैं। लद्दाख जा रहे हैं, वहां से एप्रिकॉट लेंगे। और ये हमारे सब्सक्राइबर भाई है, देखो। आपको कैसे पता लगा? मैं आपका रोज वीडियो देखता हूँ सर। नहीं, लेकिन हमने वीडियो में तो बताया नहीं हम एप्रिकॉट लेंगे लद्दाख जाके। पहले एक बार बोला था कभी। क्या कब बोला था? एक वीडियो में बोला था कि यहाँ के एप्रिकॉट अच्छे होते हैं। ये लो भाई, थैंक यू भाई, बहुत बहुत थैंक यू। ये रहे तो कारगिल ही? कारगिल। अरे सही है सही है, थैंक यू। और सब बढ़िया, घर पे ठीक है, सब परिवार बढ़िया? थैंक यू भाई एप्रिकॉट के लिए। अरे मिठाई नहीं, नहीं कुछ नहीं चाहिए। ये भी ले आए, ये भी नहीं चाहिए था, लेकिन ले आयो तो अच्छा लग रहा, लेकिन थैंक यू। थैंक यू सर। एक चीज आपको और बता दूं, कभी भी आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो या किसी ऐसे बंदे के साथ जा रहे हो, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, फैमिली मतलब जिनकी एज ज्यादा है, तो आपको लग रहा है ना हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, उससे 24 घंटे पहले एक डायमोक्सी गोली खिला दो। तो ये सबके लिए है, तो मैं पापा को खिला रहा हूँ, दिक्कत कोई नहीं आएगी, लेकिन प्रिकॉशन पहले लेके चलने ज्यादा बेटर है ना। पापा ये गोली खा लो, क्योंकि आज हम ले पहुंच जाएंगे, ले में भी ऑक्सीजन लेवल थोड़ा डाउन है, हो सकता है कल हम पेंगोंग जाएं, तो ये खाने से कोई दिक्कत नहीं है, खा लो क्या जाएगा। तुमने खानी है और किसी ने नहीं खानी? कोको कोको तो पहले माइनस टेम्परेचर में रह के आया, पेंगोंग लेक पे भाग कर आया, वो भी जमी हुई पे, इसको कोई टेंशन नहीं है, है ना। ओए बेहोश ही रहेगा। कैसे हो सर? बढ़िया एकदम, बढ़िया सर। ये डायमोक्स खाओगे? अब जो हमारे पास हम तो वही खिलाएंगे ना। एप्रिकॉट खाओगे? वो एक एप्रिकॉट खाओ। मेरे सब्सक्राइबर ने ऐसे है ना, मैं उनको बोलूंगा ना जहर खाओ के निकाल के तो मुंह ही मुंह में डाल ले, कुछ नहीं पूछते। मेरे एप्रिकॉट हाथ में रखा, उन्हें सीधे मुंह में डाल लिया। इतना ही प्यार चाहिए अपने को, ज्यादा नहीं चाहिए, इतना ही बहुत है। हाँ ठीक है, फोटो।
225 किलोमीटर और यहाँ चल रहे साइकिल बाजी चले गए इतने में तो साइकिल थी बाइक थी फुल स्पीड सर एक फोटो देंगे सेल्फी देंगे क्या चाहिए भाई साहब सेल्फी नहीं देंगे लस्सी भी ला सकते पीनी है तो पियो भैया नॉर्मल पेट्रोल फुल ठीक है तो पेट्रोल तो था इसके अंदर 218 किलोमीटर और चलेगी लेकिन हमने सोचा डलवा लेते रिस्क नहीं लेते कितने रुपए लीटर है यहाँ 101 वही दिल्ली वाला रेट है दिल्ली में आई थिंक 103 है सबसे सस्ता हमने डलवाया था कहाँ डलवाया था 97 रुपए जम्मू में डलवाया था 97 मगर अगर हम लेह में भरेंगे ना तो इससे महंगा होगा मुझे लगता है 600 लेह में महंगा 2-2.5 रुपए महंगा अरे यार डिक्की भरवा दो आ दे रहा हूँ अरे अपने को पेमेंट करना है लस्सी अरे आप काम लस्सी किसको पकड़ाऊं कहो गवर्नमेंट लस्सी पकड़ पीनी नहीं है लेकिन मतलब मेरी जाट खा लिया तुमने दो मिनट पकड़ ले लेटा ही तो हुआ कुछ कर थोड़ी रहा ठीक है पकड़ लेता हूँ भाई कुछ कुछ काम तो करता है ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं खाता थोड़ा बहुत था लेकिन बिल्कुल नहीं है लस्सी पकड़ मैं पेमेंट कर दूँ कितना होगा भैया पेटीएम है दे दो पेटीएम दे दो अब्बा ये वाले पहाड़ देख रहे हो पूरे मिट्टी मिट्टी मतलब अजीब पहाड़ है ये तो हाँ ये सिर्फ यहीं देखने को मिलते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे आपको ये यहाँ से कहीं नहीं जाते ना नहीं जाते नहीं कहीं ब्राउन होंगे ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मिट्टी का ढेर लगाया हुआ है मजा आ रहा है अलग अलग चीजें देखने में नहीं सही बात नहीं मजा आ रहा है हाँ ये ठीक है घर बनाने के लिए मिट्टी लाया होगा कोई यही भूल गया होगा ये हमारे घर बन रहा है भाई यहाँ पर जब हमारे घर की टैंकी इतनी बड़ी हो सकती है अपने घर बनाने के लिए मिट्टी लाए थे हम भूल गए थे ले जाएंगे यहाँ से उठा के बोल देंगे ट्रक वाले को चलो आगे चलते हैं अभी बहुत कुछ देखना है देख रहे हो पापा वो बीच में एकदम से ग्रीन कलर ब्राउन कलर कलर कैसे ये यहाँ पर यही देखने का तो मजा आता है ऐसे पहाड़ ना पूरे इंडिया में कहीं नहीं दिखते कितने कलर के पहाड़ देख लिया आज आपने अभी आपको एक रेड कलर का भी दिखाऊंगा आप बोलोगे रेड कलर का पहाड़ और यहाँ पर ना मैंने फोटोग्राफर बिठा दिया ये देखो ये जब से मैंने चश्मा लगाया ना मैं इतना स्मार्ट लगने लग गया कह रही आपकी फोटो खींचना चाहती हूँ प्लीज 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 मैंने मना किया नहीं मेरे को नहीं शौक प्लीज 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 एक 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 मतलब एक की इजाजत दी और कम से कम 25 फोटो खींच लिया नहीं ले रही हूँ गलत चीज बिना इजाजत के आप मेरी फोटो नहीं ले सकते वो भी उड़ गया कोको की फोटो अभी एक मिनट रुको गैलरी खोलना फोन दिखाना ये देखो आता रही है ना दिखाओ गैलरी खोल के फोन किसी की गैलरी में नहीं जाते किसी की बिना पूछे फोटो खींचते रहो लेकिन गैलरी में नहीं जाते गैलरी में जा भी खा रहे हैं हम नहीं नहीं गैलरी तो हमारी घर पे रहेगी पापा साथ में थोड़ी लेकर आए ओ ये वाला पहाड़ देखो भाई साहब गंदा है ये पोटी करके हाथ धोए हैं मैंने गंदा कहां से हो गया पहाड़ पापा ये वाला पहाड़ देखो यार अब बातें छोड़ो हाथों के चक्कर में ना पहाड़ नहीं रह जाने चाहिए तो भाई सीन ऐसा है गाड़ी चलाते चलाते सारे के सारे बंदे यहाँ पहुंच गए हैं दो काम थे एक तो समीरन को आई थी बहुत तेज पॉटी वो पॉटी करने गया दूसरा कोको को लगी थी बहुत तेज भूख हमें नहीं लगी भूख सिर्फ कोको को लगी है यहाँ पर बॉयल चावल नहीं थे हंस क्यों रहे हो अच्छा वो समीरन गया अरे तो क्या अच्छा कहाँ गया समीरन तुम बताओ हाँ तो जो है जो नेचुरल है भाई तो नेचुरल है पेट खराब है अगले का तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है तो गाड़ी में बार बार ना धमाके चलो छोड़ो उसको तो धमाका याद आ जाएगा नहीं तो और दूसरी चीज यहाँ पर बॉयल चावल नहीं थे कि हमारे पास चावल आप बॉयल करके दे दो तो ये बॉयल करके दे रहे हैं ये हम हैं शायद कैफे जोजिला में यहाँ से रह गया करीबन 180-160 किलोमीटर अपना ले पहुंच जाएंगे आराम से और टाइम बताऊँ आपको टाइम हो चुका लगभग 3 बर्फीला पानी एकदम कहते हैं जैसे फ्रिज से निकालो वहां अपने समोसे आ गए तो मैंने सोचा पहले हाथ ही धो लेते हैं पापा वो वाला पहाड़ देख रहे हो राइट साइड में कैसा सा है ना जैसे लग रहा है इसके साथ ही इसको छोड़ के चले गए हैं हाँ अकेला ही रह गया है यहाँ पर ऐसे बहुत से पहाड़ अभी और दिखने वाले हैं आपको हाँ जैसे पुराने किले बने होते हैं और इनके बीच में ना पापा कहीं कहीं जगह घर भी हैं गुफाएं बनी हुई हैं अभी भी ना कभी कभार रिसर्च करते करते मिल जाते हैं कोई घर मिल गया कहीं पर कुछ मिल गया पुराने जमाने के बहुत पुराने पापा
बाल कितने उड़े हुए शंकी सही में मतलब कैसा सही पहाड़ बहुत बड़े बड़े पहाड़ है पहली बार देखी थी बड़े बड़े पहाड़ ये ऐसा लग रहा है बाबा जैसे रेगिस्तान की मिट्टी पड़ी हुई है बड़े ही बड़े किसी एलियन लैंड में आ गए हैं अभी यहाँ से एलियन निकल के आएंगे दो चार उड़ते हुए एलियन तो उड़ते ही होंगे ना पहाड़ देख ना और देख के हैरान हो रहा हूँ पर सुंदर नहीं है कितने सुंदर है मतलब पहली बार बंदा आता है ना सुंदर तो दिखते ही है लेकिन वो हैरान भी होते भाई ऐसे भी पहाड़ हो सकते हैं मतलब ही नहीं है मतलब देखने में ऐसा लग रहा है ना जैसे बाइक लेके चढ़ जाएंगे इसके ऊपर ऑफ रोड वाली लेकिन मतलब नहीं इस पे चढ़ पाओ देखने में लग रहा है और ये देखने बाबा दूर से फिर छोटा लग रहा है इसके नीचे खड़े होगे ना पहाड़ के ऐसे देखोगे वो देखो वो सामने वाला पहाड़ देखो वो नुकीला वो बिल्कुल ही अलग है नकीला पास भी तो है हाँ नकीला पास भी आएगा अब आएगा वहाँ पर रेड पहाड़ लाल रंग का अच्छा ये हम पहुंच गए नमकीला पास इसका नाम नमकीला क्यों रखा गया है क्योंकि हाँ वो देख रहे हो सामने पहाड़ पे व्हाइट हाँ ये सारा ना इन पहाड़ों में नमक मिलता है इसलिए इनका नाम नमकीला कभी सुना पहाड़ों में नमक नहीं आप बताओ पहले सुना है आप बताओ नमक कहाँ से निकलता है वैसे समुद्र में से हाँ यहाँ पहाड़ों में नमक है इसलिए इसका नाम नमकीला है तुमने सुना कभी कि पहाड़ में से नमक निकल रहा है और नहीं विश्वास होता किसी को तो जाके चाट के देख सकता है चलो चलो पापा कह रहे चाटो चाटने जाए नहीं अच्छा आगे चले ओके तो ये हमने नमकीला पास क्रॉस कर लिया हाँ और भी पहाड़ देखने हैं इससे पहले अंधेरा हो जाए हम थोड़ा लेट ही है चार यही बच चुके अभी भी 150 किलोमीटर जाना है हाँ कैफे भी नमकीला है कैफे बंद है पर ये बंद ही रहता है जब भी 4-5 बार आओ ये बंद ही मिला हमेशा देखो ये सारा नमक है वाइट फॉर्टूला टॉप आ गए फॉर्टूला टॉप पापा इस टॉप का नाम है फॉर्टूला टॉप फॉर्टूला जो कि है 13,479 फीट पे अच्छा लग रहा है अब चलते चलाते हैं आगे ना फॉर्टूला में फोटो ले सकते फोटो तो रोकू नहीं ओके फॉर्टूला मतलब फोटो लो हो भाई सामने वाले पहाड़ देखो यार इनको कहते हैं दिल खुश पहाड़ छाया भी बढ़ रही है धूप भी बढ़ रही है कहीं धूप कहीं छाया हर जगह प्रभु की माया उसी माया से एक गाड़ी आई है तो प्रभु ने हमारे पास वो करी ना कृपा करी कृपा मीन्स माया फेंकी तो हमने गाड़ी ले ली मतलब दी कृपा करी मेहनत करके तो मेहनत अरे मेहनत तो बहुत सारे इंसान भी कर रहे रिक्शा जो चला रहे भैया वो भी कर रहे हैं सही बात है लेकिन प्रभु की कृपा हाँ उसने दिया है तो हम इज्जत करते हैं कि ऐसे आगे भी देते रहना चलो छोड़ो पहाड़ देखो तो ये कुछ भाई लोग मिले साइकिल से जा रहे थे जरा इनसे पूछते हैं कहाँ से हो आप लोग गुलमर्ग से सर गुलमर्ग से कितने दिन हो गए चलाते हुए चौथा दिन है चौथे दिन में यहाँ पहुँच गए मुझे जानते हो हाँ सर बताओ कौन प्रभुजीत सर अरे फिर हाथ मिला लो गलत बताया छोटा डॉन हूँ मैं सही और सब बढ़िया मजा आ रहा चलाने में थकावट नहीं थकावट तो होती है टांगों में दर्द दिन के कितने किलोमीटर चलाते हो दिन के 100 अप्रोक्सिमेटली 100 किलोमीटर चला लेते हो चढ़ाई में दिक्कत होती होगी उतराई में मजा आता हो उतराई में ऐसा होता होगा मजा आ गया ऐसे वाला है ना फील आता है ना चलो बढ़िया अच्छा लग रहा है बैग में क्या है बैग में ही स्लीपिंग बैग वगैरह और ट्रैकिंग कहीं भी टेंट डाल के सो जाते हो या डिसाइड करते हो आज यहाँ तक जाना है जहाँ पर रेस्टोरेंट क्लोज होगा ना खाना पीना मिल जाए वहीं टेंट डाला और सो गए चलो यार बेस्ट ऑफ लक बहुत बढ़िया लगा मिलके आओ सेल्फी ले लेते हैं पापा ये देख रहे हो ये सामने जो शहर है ये लामा यूरो है हाँ बहुत ही सुंदर दिखता है वो ऊपर मोनेस्ट्री है सबसे ऊपर देख रहे हो सबसे ऊपर वाली जो बिल्डिंग बनी हुई है हाँ वो मोनेस्ट्री है इसके ड्रोन शॉट बहुत बढ़िया आते हैं लेकिन अभी अपने पास टाइम नहीं है काफी दूर जाना है अपने को है ना अजीब सा लग रहा है एक ही पहाड़ है ऊपर अलग कलर नीचे अलग कलर देख रहे हो पापा जी पीला पीला हाँ नीचे डार्क येलो है ऊपर थोड़ा वो ब्राउनिश है डार्क ब्राउन ग्रीन है कुदरत है ये कुदरत क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पर है देख रहे हो ये पहाड़ का कलर ये अपने आप ही रेड है किसी ने करा नहीं है इसको रेड कैमरे में इतना नहीं पता लग रहा लेकिन पूरा रेड कलर का पहाड़ है ये
पर्पलिश पर्पलिश ले रह गए यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर 100 भी नहीं 97 और यहाँ पर एंट्री करनी है। वो अपने आमिर भाई खड़े हैं, अपनी गाड़ी की भी कर देंगे हमारी की भी कर देंगे। कोको एकदम सोते से उठ गया, क्या हो रहा भाई मुझे भी बताओ क्या हो रहा है। कोको कोको जैसे होता नहीं हमने सिपाही खड़ा करा होता है, बताओ मुझे क्या हुआ कोको। छोटी बत्तख छोटी बत्तख कही की। यही है वो रोड जहाँ बंदे लेट लेट के फोटो खिंचाते हैं। लेट लेट के फोटो खिंचाते हैं रोड के बीच में, दूर से रोड मतलब मजेदार ऐसी फोटो आती है ना इस रोड के बीच में, खतरनाक खतरनाक। तो अभी हम यहाँ उतरे, हम सोच रहे हैं एक आधी फोटो वोटो क्लिक कर ले। बढ़िया रोड है, क्या सीनरी है, चार तो पहाड़ पर बीच में सी रोड। यही चीज तो देखने आते है। चाबी करनी क्या है, बंद कर दो तब भी लॉक नहीं होगी। ऐसा लग रहा है ना सामने सीनरी है कोई तगड़ी सी। देखो इधर की सीनरी अलग है बिल्कुल, देख रहे हो पापा, और इधर देखोगे इधर बिल्कुल अलग है। अबे कद्दू कहाँ से आ गया सीनरी में। लेकिन बढ़िया लग रही है भाई, इधर वाली बढ़िया लग रही है, इधर वाली पहले अच्छी लग रही थी, जैसे ही तू आया ना सीनरी बेकार हो गया। वो देखो कहाँ तक रोड है भाई, जहाँ तक नजर जा रही है ना। हाँ अबे ये देखो जहाँ मन करता है लेट जाते हैं, कुछ तो शर्म करो। और अच्छा था फोटो क्या थे लेट के, तो फोटो ऐसी आएगी भाई। आ गई भाई आ गई, अरे कुछ ना आ रहा, रोड आ रही है खाली। पता है इतनी दूर दिल्ली से हम क्या करने आते हैं भाई, ये वाला व्यू देखने के लिए, ये वाला रोड देखने के लिए। एकदम दूर तक लंबी नजर आ रही है ना, और सबसे मेन चीज भाई यहाँ के जो पहाड़ है, यहाँ के जो वादी है, मतलब रोड तो है ही, आसपास का व्यू कसम से दिल बाग बाग हो गया। सोचा नहीं था कभी इतनी बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, और कभी ये भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी गाड़ी में पापा को यहाँ तक लेकर आऊँगा। पापा का ड्रीम था कि भाई एक बार ही लद्दाख तक आना है, लेकिन हमारे पास बड़ी गाड़ी थी नहीं, पहले स्विफ्ट थी, उससे पहले जिप्सी थी, जिप्सी में ला नहीं सकता था बिकॉज उसके सस्पेंशन इतने बढ़िया नहीं है। स्विफ्ट यहाँ तक ला सकता था लेकिन कंफर्टेबली लेकर आना था उनको, तो आज लेकर आया हूँ, वो भी बहुत खुश है और मेरे को अच्छा लग रहा है कि पापा यहाँ आके बहुत खुश है। चलो बढ़िया, अभी आगे चलते, आगे मैग्नेटिक हिल भी है, गुरुद्वारा भी है, उसके भी दर्शन करेंगे फिर ले पहुँचेंगे। वो कह रहा वहां चला गया, अब वहां से देखे कहां गया, वो यहां है उधर आ गया, उधर वो रहा वो रहा वो रहा, चलो वहां से देख लेता हूं। चलो 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 गुरुद्वारे भी जाना है, बाबा जी के दर्शन करते हैं फिर आगे निकलेंगे। अब जैसे ही ये मोड़ मुड़ेंगे ना भाई, सामने का व्यू देखना, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। ये देखो ओ भाई साहब एक नंबर। तो फाइनली हम पहुंच गए पत्थर साहब गुरुद्वारा, बाबा जी के दर्शन करते हैं। मैं तो पहले भी कम से कम 5-6 बार आया हूँ, पापा पहली बार आए हैं। चलो ये देखो यहाँ का बेस्ट पार्ट, कड़ा प्रसाद। और मोटा हो जाएगा तू। हमारे सारे गुरु की पिक्चर। तेरे लिए प्रसाद लाए हैं, ये लो। ओए भाई साहब थोड़ा थोड़ा खिलाया, थोड़ा ही खिलाया, मजा आ गया। कोको चलो हो गया, इसे फोन पर सुहागा, मैंने अपने बच्चों को खिलाया, बाप ने अपने बच्चों को खिलाया।
वेलकम भाई, वेलकम। तो भाई ये चौक को देखकर आपको समझ आ गया होगा, हम लेह के अंदर एंटर कर चुके हैं, बस अभी अपने होटल की ओर जा रहे हैं। देखना पड़ेगा जरा अपना होटल कहाँ है। सिंह भाई क्या हाल चाल? चलो आपके पीछे पीछे चलो, हमारे सिंह भाई हमें लेने पहुंच गए हैं, अब इनके पीछे पीछे जाएंगे। लो भाई पहुंच गए ग्याल्पो रेजिडेंसी, एक नंबर प्रॉपर्टी बनाई हुई है भाई, अभी अंदर से दिखाएंगे, मजा आएगा भाई। अभी इन्होंने ना कुछ ऐसे ऐसे करके यहाँ फंसाया। क्या खाया? वो ये है पास पास। अरे मैंने बोला क्या खा रहे, कोने में ऐसे ऐसे करके ऐसे फंसा रहे थे। पास पास का पैकेट है, अंदर कुछ हो रहा है। चलो ठीक है, सारे राज यहीं खोल देगा के। और ये देखो भाई शिंगे भाई, कितने टाइम बाद मिल रहे हम, हो गया होगा साल, तो हो गया होगा साल, तो ऊपर ही हो गया। कोको याद है? सेम टाइम शिंगे भाई, अपना शिंगे भाई। चलो सही है, अभी रूम में सामान वान ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद आपको दोबारा मिलते हैं। वही अपना सामान, और ये भी अपना रूम, ये भी अपना रूम। पहले ये दिखाते हैं बालकनी भी है, अभी बाहर का व्यू नजर नहीं आएगा, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। वाह, यहाँ बैठ के चाय पियेंगे और सुबह आपको वादियाँ दिखाएंगे। ठीक है भाई, अभी थक गए हैं क्योंकि रास्ते में आपने देखा कैसे उड़ते उड़ते भागते भागते आए हैं। आज की मेहनत आप हमारी आंखों से पता कर सकते हो, नींद भरी हुई है। और मेरे को लग रहा है आज का जो हमारा व्लॉग है ना, शायद ही अभी तक का मेरा सबसे लंबा व्लॉग होगा, क्योंकि इतना कुछ दिख रहा था, पापा ने इतना कुछ देखा, कुछ काटने का मन ही नहीं हो रहा था। जैसे हर मोड़ मुड़ते थे, नया पहाड़, नया कलर। आपको कैसा फील हुआ? बोला पहले ऐसे पहाड़ तो नहीं देखे, मेरी वीडियो में देखे होंगे तो सामने से नहीं देखे। मजा आया कि नहीं आया? फुल टू। चलो ठीक है भाई, पापा को मजा आया तो अपने को भी मजा आया। बाकी इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी अच्छा लगा हो ना, कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करना, आप भी बोल दो लाइक कर दे, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हमारी मेहनत बेकार न जाए। हाँ, हमारी मेहनत बेकार ना जाए, क्योंकि पापा को तो मैं घुमा ही रहा हूँ, वो तो आंखों से देख रहे हैं, लेकिन आपको जो अपनी आंखों से दिखा रहे हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है। यहाँ दिखाओ, वहाँ दिखाओ, वो बढ़िया सीन, ये बढ़िया सीन, ये लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मिलता है किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय। ढक्कन बंद कर दो, बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने, दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।